तो दोस्तों अभी चल रहा है हमारा ब्रेकिंग टेस्ट, तो अभी मैं ब्रेक सिर्फ जो ब्रेक है अगली ब्रेक दबाऊंगा, पहले 20 पे चलेगी ब्रेक आपकी, फिर 40 पे, फिर 50-60 ऐसे कर करके ब्रेकिंग चेक करेंगे। तो अभी हमारी 40 चल रही है, ब्रेक मारते अगली, ये देखिए फिर एक और ब्रेक मारते हैं चलते उधर आगे। अब मैं 60 पे दोनों ब्रेक दबाऊंगा, मैंने 50 ब्रेक दबाई दोनों, अब जो मैं ब्रेकिंग करूंगा ये मैं 50 पे करूंगा और दोनों ब्रेक दबाऊंगा, कंबाइंड ब्रेकिंग होगी 50 पे करके दोनों ब्रेक, ये देखो दोनों ब्रेक दबा के मैंने करी है 50 पे, अब सिर्फ पिछली ब्रेक दबा के 40 पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए 40 पे ब्रेक मारी है मैंने, पिछली ब्रेक स्लिप कर रहा है कितना ज़्यादा, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा है मेरी ब्रेकिंग टेस्ट, तो इसके आगे की ब्रेक बहुत अच्छा काम कर रही है पर पीछे की बिल्कुल भी काम नहीं करती, पूरी बाइक स्लिप हो जाती है। तो ब्रेकिंग के मामले में यहाँ पर रॉयल एनफील्ड वालों ने कंजूसी की है, पीछे भी इन लोगों को डिस्क प्लस ABS देना चाहिए था, पर वो ये क्लासिक में देते हैं, थोड़ी महंगी है, इसमें भी इन्हें देना चाहिए था, अदरवाइज इसकी आगे की ब्रेकिंग बहुत अच्छी काम करती है, कोई दिक्कत नहीं आगे की ब्रेकिंग में, बढ़िया से बाइक रोक देती है और स्पीड होने नहीं देती। तो दोस्तों बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी।